الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله फैजान कुरान के आज के इस सिलसिले में आराफ की आयत नंबर एक सौ सड़सठ सिक्सटी सेवन से कुरान पाक का दर सुनेंगे अल्लाह अलास वजल इरशाद फ़रमाता है बिसमिल्लि वज्बू काजब इन न रबा का सर उल्कॉब व अन नहूल़फ़फ़फ़फ़फ़फीम और जब तुम्हारे रब ने लान कर दिया कि वो ज़रूर क़यामत के दिन तक इन पर ऐसों को भेजता रहेगा जो इन्हें बुरा अजाब देते रहेंगे बेशक तुम्हारा रब ज़रूर जल्द अजाब देने वाला है और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है इस आयत मुबारक से जो पहले आयत गुजरी हैं उनमें अल्लाह तबारक वताल ने बनी इसराइल के उस ग्रोह का तस्करा किया था जिन्होंने हफ्ते के दिन वाले हुक्म शरीयत में अपनी तरफ से बातिल बातिलला करके अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल ना किया तो उन पर अल्लाह ताला ने अजाब मुसल्लत किया और उनकी शक्लें मस्ख करके यानी तब्दील करके उन्हें बंदरों की शक्ल में कर दिया अब अल्लाह तबारक वत उसके बाद फरमाता है कि इस आयत मुबारक में जो फ़रमाया गया कि क़्यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उन पर और उनकी नस्लों पर जिल्लत और ग़ुला को मुकद्दर कर दिया दुनिया के अंदर क्यामत तक ये लोग जिल्लत और रुसवाई का सामना करते रहेंगे इसके बाद अल्लाह तरशाद फरमाया व ना हम फिल और मिन हम साल हम दू नजार्ख व बलौनाहुम ना बिल हसन आती व सई आती लुम और हमने उन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ़ गोहों में तकसीम कर दिया उनमें कुछ सालहीन हैं और कुछ इसके अलावा हैं और हमने उन्हें खुशहालियों और बदहालियों में आज़माया ताकि वो लौट आएं। इस आयत में फ़रमाया गया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुख्तलिफ़ गोहों में तकसीम कर दिया मुख्तलिफ़ गोह बन गए फरमाया कि उनमें कुछ अच्छे हैं नेक हैं सालहीन हैं ये वो जो अपने ज़माने में सलाम की शरीयत पर सही तरीक़े से अमल करते रहे और नबी पाक सलातों सलाम के एलाने नबूत के बाद आप पर ईमान ले आए ये लोग वो हैं मिन हम साल जो नेकुकार हैं जो अच्छे हैं सालीन हैं और कुछ इनके अलावा हैं अब अल्लाह ताल फरमाता है कि हमने इन्हें खुशहालियों और बदहालियों के साथ आज़माया अल्लाह ताला ने कभी बनी इसराइल को खुशहाली दे दी ताकि उन खुशहालियों की वजह से ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह की इबादत करें कभी अल्लाह ताला ने उन्हें मुसीबतों में मुबतला किया उनको परेशानियों के अंदर मुबतला किया ताकि उनकी वजह से वो अल्लाह ताला की तरफ़ रजू करें और अल्लाह ताला को याद करना शुरू करें। करेंजियन ताकि वो लौट आएँ अल्लाह ताला के अहकाम की तरफ लेकिन कुछ लोग तो उनमें से ऐसे थे कि जिन्होंने खुशहाली या बदहाली से नसीहत हासिल की लेकिन अक्सरियत वो थी कि जिन्होंने अपनी रविश को चेंज ना किया जिन्होंने अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील ना किया बल्कि उन्हीं नाफरमानियों के अंदर मशगूल रहे हमारे साथ भी ये होता है कि अल्लाह ताला हमें खुशहाली भी देता है हमें बदहाली के अंदर भी मुबतला करता है और दोनों चीज़ों के अंदर हमारा इम्तहान होता है नेमत पे खुदा का शुक्र करते हैं या नहीं और ख़ुशी के वक्त में खुदा को याद करते हैं या नहीं और अल्लाह ताली मुसीबत में मुबतला करता है ताकि बंदा उस मुसीबत की वजह से खुदा की तरफ रजू करने वाला बन जाए तो अच्छा और खुश किस्मत है वो शख्स कि जो खुशी और गमी दोनों हालतों में खुदा को याद करता है जो दोनों हालतों में अल्लाह ताला का इत गुजार और फरमा बरदार बंदा बना रहता है इसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है फला फ़मीम बदहिम खलफम अदना व यूलू न सयु फ़ फ़ फ़रूल वी यती मारद मिसलू यामय युद्ध अलम मी सा किताबी अल्लाक़ूलू अल्लाह व दरासू माफ़ी ही वारैलदीना तक अफ़ला तिर उनके बाद ऐसे बुरे जा नशीन आए जो किताब के वारिस हुए वो इस दुनिया का मान लेते हैं और कहते हैं कि हमारी मगफ़िरत कर दी जाएगी हालांकि अगर वैसा ही माल उनके पास मज़ीद आ जाए तो उसे भी ले लेंगे क्या किताब में उनसे ये येद नहीं लिया गया था कि अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ ना कहेंगे और वो पढ़ चुके हैं जो इस किताब में हैं। और बेशक आखिरत का घर परहेज़गारों के लिए बेहतर है तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं इसायद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल जो हजरत सलाम के ज़माने में थे और जो उनके फरमा बरदार भी थे उनके बाद ऐसे लोग आए पहलों के वारिस बने वो ऐसे लोग थे कि जिनके उमूमी काम अल्लाह ताला की बारगाह में नापसंदीदा थे अब वो जानशीन और वो नाखलफ़ लोग कैसे थे फरमाया कि किताबुल्ल के वारिस तो हुए उन्हें तो मिल गई विरासत के अंदर तो मिल गई लेकिन उन्होंने उस तो के ज़रिए अल्लाह की किताब के ज़रिए दुनिया का माल कमाना शुरू कर दिया वो अल्लाह की किताब को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल ना करते थे बल्कि खुदा की किताब को अपने ज़ाती दुनियावी और माली मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे और फिर इसके साथ उनकी गफ़लत का आलम ये था कि किताबुल्ला को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने के बावजूद उनका कहना ये था कि हम हमारी तो बख्शिश हो ही जाएगी यानी गुनाह भी करते हैं और गुनाह करके ये तस्वुर करते हैं कि उनकी बख्शिश कर दी जाएगी हमारे यहाँ जैसे लोगों की हालत गुनाह भी करते हैं और बख्शिश के ऊपर भी पूरा यकीन करके बैठे होते हैं कि हमारी तो बख्शिश हो ही जानी है अल्लाह तारा ने बनी इसराइल के यहूदियों के बारे में फ़रमाया कि किताबुल्लाह के वारिस बने दुनिया कमाने में मशगूल हो गए लेकिन इसके साथ उनका कहना ये था कि हमारी बख्शिश कर दी जाएगी तो ये हमें समझाने के लिए ये हमारे सामने चीज़ बयान की गई है कि बख्शिश के लिए अल्लाह की इताद की जाती है ना कि अपने आप को सिर्फ दुनिया के अंदर लगा दिया जाता है फिर उनके बाद उनकी अगली हरकत बयान की कि ये लोग माले दुनिया में ऐसे गुम हो चुके हैं और दुनिया की मोहब्बत में ऐसे खो चुके हैं कि अगर इनके पास और माल आ जाए तो ये उसे भी ले लेंगे यानी ज़रूरत का हासिल हो चुका अब उसके बाद अगर मज़ीद माल मिल मिल जाए और उस माल के बदले में खुदा के अहकाम को बदलना पड़ जाए तो माले दुनिया की खातिर अल्लाह की किताब को बदल देंगे अल्लाह के अहकाम को बदल देंगे उसकी शरीयत के अंदर अपने मन पसंद के मसाइल को शामिल कर देंगे तो फरमाया कि ये इन लोगों की हालत है अब अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इन पर किताब का ये अहद ना लिया गया था यानी अल्लाह ताला ने तौरात के अंदर यहूदियों से ये अहद नहीं लिया था यानी लिया था कि अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे अल्लाह ताला पे झूठ नहीं बांधेंगे उसकी तरफ गलत बात को मंसूब नहीं करेंगे खुद मसाइल घड़ उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करेंगे व दारासू माफ़ी और जो किताब में लिखा हुआ था उसे ये लोग पढ़ चुके हैं यानी जो तो में अहकाम लिखे हुए थे उसे पढ़ा हुआ लेकिन उसको पढ़ने के बावजूद अल्लाह ताला के बारे में अपनी तरफ से मसाइल मंसूब कर दिया करते थे तो अल्लाह ताला, ताला फरमाता है कि ये दुनिया के माल में पड़े हुए व दारुल आखिरत दारखिरत खैरदीन आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं जो परहेज़गारी करने वाले हैं तो फरमाया कि ये माले दुनिया में पड़े हुए माले दुनिया के पीछे नहीं जाना इनको नहीं जाना चाहिए बल्कि आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए जो बेहतरीन घर है परहेज़गारों के लिए खुदा से डरने वालों के लिए इसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लीन युमसकून अबिलखिताबी वक़ाम अजरलमसल्ह और वो जो किताब को मजबूती से थामते हैं और उन्होंने नमाज कायम रखी बेशक हम असलाह करने वालों का अजर ज़ाए नहीं करते इससे पहले उन लोगों का तस्करा हुआ कि जिन्होंने अल्लाह की किताब में तब्दीलियाँ की और उसे अपने दुनियावी मफादा के लिए इस्तेमाल किया यहाँ फरमाया कि इसके बराक्स वो लोग भी हैं जो अल्लाह की किताब को मज़बूती से थाम कर रखते हैं किताबुल्लाह को मजबूती से थामना क्या है तफसीर में इसका जो माना बयान किया गया वो ये कि किताबुल्लाह को मजबूती के साथ थामने का मतलब ये है कि उसमें किसी किस्म का तगैर व तब्दुल ना करना उसमें तब्दीली ना करना उस पर ईमान रखना और उसमें बयान करदा अहकाम के मुताबिक अमल करना तो ये वो लोग हैं जो किताबुल्ल को मजबूती के साथ थामे हुए हैं जो अल्लाह की किताब के पर ईमान भी रखते हैं उसमें तब्दीली भी नहीं करते और उसके अहकाम पर अमल भी करते हैं और दूसरी बात वह अकाम और उन्होंने नमाज कायम रखी तो किताबल्ल्ला परमल और नमाज कायम करना फरमाया कि ये लोग हैं असलाह वाले ये अपने आप को संवारने वाले हैं सुधारने वाले हैं तो फ़रमाया कि ये वो लोग हैं कि इनका अजर अल्लाह ताला जाय नहीं करता जो किताबुल्लाह को मज़बूती से थाम लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनके अजर को ज़ाय नहीं करता इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फ़रमाता है व बिक़ुव्वतिन तब मा बिम खुमा तत्तक़ून और याद करो जब हमने पहाड़ उनके ऊपर बुलंद कर दिया गोया वो साइबान है और उन्होंने समझ लिया कि ये उन पर गिरने ही वाला है और हमने कहा जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है उसे याद करो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ ये एक वाकया है जो कुरान पाक में इससे पहले भी मशकूर हुआ कि बनी इसराइल को जब तो शरीफ पर अमल करने का हुक्म दिया गया तो अब तो यकदम पूरी की पूरी नाजिल हो गई और उसमें अहकाम का अहकाम का एक पूरे का पूरा सिलसिला था पूरा कानून कानून ज़िंदगी बयान कर दिया गया तो अब ये इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था उनको लगा कि ये बैठे बैठा इतनी सारी क्यूदात हमारे ऊपर कहाँ से लागू हो गई तो उन्होंने तो शरीफ पर अमल करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक वाली ने कोहे तूर को उनके ऊपर बुलंद कर दिया जब्राइली अमीन अली सलाम ने पहाड़ को ज़मीन से उठाया और बनी इसराइल के ऊपर ला के उसे कर दिया और उन्हें हुक्म दिया गया कि या तो, तो, तो रैत के अहकाम मानो वरना ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा तो अब जब उन्होंने देखा कि अब तो ना मानने की सूरत में पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा तो फिर सब ने कहा कि हम इसे इसके अहकाम तस्लीम करते हैं हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो यहाँ पर अल्लाह ताली ने उस वाक़े का बयान फरमाया

अफातोलिकुना बीमा फ़ालल मुबतलून फरमाया और याद करो जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं सब ने कहा क्यों नहीं हमने गवाही दी ये इसलिए हुआ कि तुम क़्यामत के दिन ये ना कहो कि हमें इसकी खबर न थी या ये कहने लगो कि शिरक तो हाँ पहले हमारे बाप दादा ने किया और हम उनके बाद उनकी औलाद हुए तो क्या तू हमें उस पर हलाक फरमाएगा जो अहले बातिल ने किया इस आयत मुबारक में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बयान की गई है अहदीस मुबारका में इसकी वजाहत भी मौजूद है और कुरान पाक की आयत भी वाज तौर पर मौजूद है कि इंसानों को पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम सलात व सलाम की पुश्त से उनकी औलाद की अरवाह को निकाला और फिर उनकी औलाद की अरवाह से उनकी औलाद की अरवाह को निकाला तो यूँ जितने भी इंसान थे अरबों की तादाद में या खरबों की तादाद में अल्लाह ताला ने उन तमाम को आदम सलाम की पीठ से नसल दर नसल निकाल कर उनको अपनी बारगाह में मौजूद किया और उन्हें फ़रमाया अस्तुबी रबी को क्या मैं तुम्हारा रब नहीं ये अल्लाह ताला ने फरमाया सारे के सारे इंसानों की अरवाह से अब जितने भी लोग थे उन्होंने कहा बला क्यों नहीं एल्ला क्यों नहीं तू हमारा रब है शहीद ना हम ये गवाही देते हैं हमने ये गवाही दी कि तू हमारा रब है अब ये जो इंसानों की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने सारी रूहों से ये फरमाया ये क्यों फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारा इसलिए हुआ ताकि तुम कियामत के दिन ये ना कहो कि अल्लाह हमें तो इसकी खबर ही नहीं थी हमें तो पता ही नहीं था कि तू हमारा रब है और हमें तेरी बंदगी करनी है तू हमारा मबूद है हमें तेरी इबादत करनी है तो क्यामत के दिन तुम ये हुज्जत ना कर सको अल्लाह की बारगाह में ये उज़्र पेश ना कर सको इसलिए अल्लाह ताला ने सब को जमा करके पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ और उनसे पहले ही इकरार ले लिया अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि हमसे ये इकरार लिया गया लेकिन हमें तो पता ही नहीं हमें तो याद नहीं है कि अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर हमें जमा किया था और जमा करके हमसे हमें कहा पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं और हमने जवाब में कहा था क्यों नहीं हमें तो याद नहीं है ऐसा कोई वाक़ हमारी ज़िंदगी में आलम अरवाह के अंदर हमारी पेदायश से पहले कभी हुआ हो हु। तो जब हमें याद ही नहीं है तो उसकी बिना के ऊपर हमारे ऊपर ये कैसे हुक्म हो सकता है कि तुम अल्लाह तला को रब मानो तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जो उस वक्त तमाम मखलूक से तमाम इंसानों से जो वादा लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं तो सब ने इकरार किया था कि हाँ तो हमारा रब है उस उसद को उस पैमान को अल्लाह ताला अपने नबियों और पैगंबरों के ज़रिए हमें याद करवाता रहा तो अगर हमें वो वाकया वाक़ नहीं याद नहीं भी है लेकिन जब अल्लाह ताली ने अपने नबी भेजे और उन नबियों ने दुनिया भर के लोगों को बता दिया कि अल्लाह तुम्हारा रब है और तुमने अल्लाह की बारगाह में इकरार किया हुआ है तो उनकी याद दहानी की वजह से अब हमारे ऊपर वो पुराने वाला इकरार जो है वो हमारे ऊपर लागू हो जाता है तो अगर हमें बताते ख़ुद याद नहीं तो अम्बिया के ज़रिए याद दहानी उसकी मौजूद है तो उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की रबूबियत कि हमें को पैदा करने वाला है हमारा कोई रब है हमें को रिस्क देने वाला है ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने इंसानों की फितरत के अंदर रख दी कि इंसान की फितरत ये है कि वो किसी ऐसी हस्ती को मानने की तरफ मायल होता है जो हस्ती उसकी अक्ल से वरा है जो हस्ती उसे नज़र नहीं आती इसीलिए दुनिया के किसी कोने के अंदर चले जाए खितों में गारों में दूर दराज के गोशों में चले जाएं, पहाड़ों जंगलों में चले जाएं, दुनिया के मशरको मगरिब के जो कोने हैं वहाँ खंगाल डालें आपको वहाँ पर जो लोग मिलेंगे उन सब के अंदर एक बात मुश्तरक मिलेगी कि वो किसी ना किसी को अपना माबूद ज़रूर मानते हैं यानी अगरचे वह बुतों को अपना मबूद माने लेकिन वह बुतों को क्यों मबूद मानते हैं इसलिए कि उनके अंदर ये बात जो है एक रखी गई है कि उन्होंने किसी माँ फौकल फितरत हस्ती को मानना है उन्होंने किसी को अपना खुदा मानना है अब उस खुदा की तलाश के अंदर वो ग़लती करते हैं तो बुतों की तरफ चले जाते हैं जो एक मेजर गलती जिसको कहा जाएगा और या वो किसी सितारा परस्ती की तरफ़ या वो सूरज परस्ती की तरफ या वो चांद परस्ती की, की तरफ या वो जो है वो और दुनिया जहान की चीज़ें जिनकी पूजा की जाती है वो उनकी तरफ़ चले जाते हैं लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो कदर मुश्तरक समझ आती है कि क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या अफ्रीका के जंगलात, क्या दुनिया के मशरक और क्या दुनिया के मगरब उन तमाम लोगों के दिलों के अंदर ये एहसास ज़रूर मौजूद है कि उनका कोई बनाने वाला है और किसी के सामने उनको झुकना है तो ये जो फितरत के अंदर एहसास रख दिया गया और ये जो फितरत के अंदर सोच रख दी गई है ये असल में उसी योम अलस्त के अंदर जो इकरार किया गया था ये उसी की निशानियाँ हैं ये उसी के कुछ साइंस हैं जो आदमी के अंदर ज़ाहिर होते हैं अब फिर ये है कि कोई आदमी अपनी फितरत बिगाड़ लेता है और बहरीत की तरफ चला जाता है ख़ुदा के अदम वजूद की तरफ चला जाता है तो वो फितरत का बिगाड़ है वो असल फितरत नहीं असल फितरत वो है कि जिसमें आदमी मबूद की बारगाह में झुकता है तो ये खुदा मानने की तरफ मायल होना झुकना और दिल के अंदर किसी बड़ी हस्ती की तरफ जो रगबत होना है ये उसी योम अलस्त की निशानियों में से है तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया कि अलस्त में जो तुमसे वादा लिया गया और तुमने कहा कि अल्लाह क्यों नहीं तू हमारा रब है तो ये उस इसलिए लिया गया ताकि क्यामत के दिन ये ना कह सको कि ए अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि तू हमारा रब है हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी दूसरा उज़र जो कुफार कर सकते हैं अल्लाह ताला ने उसका भी रद्द फरमा दिया कि कुफार क़्यामत के दिन ये ना कहें कि हमारे बाप दादा ने शिरक किया और हम उनकी औलाद थे लिहाजा हम तो अपने बाप दादा के पीछे चलते हुए मुशरिक हो गए हमारे बाप दादा बुतों को पूजते थे हमने भी पूजना शुरू कर दिया वो वो की इबादत करते थे हमने भी उसकी इबादत करना शुरू कर दी तो फरमाया कि ये उज़र भी क़यामत के दिन नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा इसलिए कि पहली बात तो ये है कि किदे योम अलस्त वाले दिन जब अल्लाह ताला ने सब अरवाह से ये अहद लिया था तो उसमें बेटों को बाप के ताबे करके अहद नहीं लिया था कि बेटे वो अहद करें जो बाप अहद कर रहे हैं बल्कि ये फरमाया था कि तुम सब जो है इस बात का इकरार करो तो हर बंदे ने अपना अपना जुदा गाना अहद किया था तो जब हर एक का अहद जुदा गाना है तो उससे सवाल भी जुदा गाना ही होगा और दूसरी बात यह है कि जब बाप दादा से भी अहद यही था कि खुदा को रब माने और उन्होंने इसके बरअक्स किया तो वो तो हुए गलत राह के ऊपर जब वो गलत राह पर थे तो गलती के अंदर तो किसी की पैरवी नहीं की जाती कोई गलत काम करने की इजाज़त इसलिए तो नहीं मिल जाती कि चूँकि मेरा बाप दादा भी गलत किया करता था लिहाजा मैं भी गलत करूँगा ये कोई उज़्र नहीं है सही रास्ता बाहर सूरत सही रास्ता है और गलत रास्ता बाहर सूरत गलत रास्ता है खा वो किसी का बाप उस गलत रास्ते पे चल रहा हो या उसका दादा उस गलत रास्ते पे चल रहा हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आज़ार जो है ये क़्यामत के दिन नहीं चलेंगे इसके बाद फरमाया वाली का नफसिलआयाति वालाजून और हम इसी तरह तफसील से आयात बयान करते हैं और इसलिए कि वो रुजू कर लें इसके बाद फरमाया वतुअ नब अदी आती नयातीना फ़न शन मिनह फ़त बाहैन फ़क़ान मिनल्लाविन और ए महबूब इन्हें उस आदमी का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयात अता फरमाई, तो वो उनसे साफ़ निकल गया फिर शैतान उसके पीछे लग गया तो वो आदमी गुमराहों में से हो गया इस आयत के अंदर एक आदमी का वाक़ बयान किया गया है ये आदमी कौन है इसके बारे में मुख्तलि अकवाल हैं कुछ मुफसरन का फरमान है कि इससे मुराद अबू आमिर बिन सैफ़ी है कुछ ने कहा इससे मुराद उमैया उम्य, बिन अबू सल्त है और बड़ी तादाद में मुफसरीन का फरमान ये है कि इस आयत में जिस बंदे का तस्करा है वो बलाम बिन बा है बलाम बिन बारा कौन था और उसका यहाँ पर वाक़ क्या है बलयबिन बारा जो था ये बनी इसराइल का एक आदमी था यानी बन हज़रत मिसतम के ज़माने का एक आदमी था और बहुत बड़ा आलिम था और इसके बड़ी कसीर तादाद में शागिर थे और ये साहिब इल्म होने के साथ साथ बहुत बड़ा मुकर्रब बारही था यानी अल्लाह की बारगाह में इसका बड़ा मकाम था ऐसा मकाम कि इसको इसमें आज़म अल्लाह ने अता फ़रमाया हुआ था इसमें आज़म के जिसको पढ़ कर आदमी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है वो इसको आता था मूसा व सलाम जब इसकी कौम से जिहाद करने के लिए तशरीफ़ लाए तो इसकी कौम के लोग बलाम बिन बाउरा के पास आए और आकर कहने लगे कि तुम्हारी चूँकि दुआएँ कबूल होती हैं तो तुम मूसा सलाम के खिलाफ दुआ करो बलाम बिन बाउरा ने कहा कि मूसा सलाम के, के ख़िलाफ़ तो दुआ नहीं हो सकती वो अल्लाह के नबी हैं उनका तो बड़ा मकाम है उनके खिलाफ़ मैं दुआ करूँगा मैं तो ख़ुद बर्बाद हो जाऊँगा लेकिन कौम ने बड़ा इसरार किया माल दौलत का लालच दिया दूसरे लालच पेश किए बहुत सारा मालो दौलत इसको दे दिया ग्रियाओजारी की फ़रियाद की बिल आखिर दुनियावी लालच के अंदर आकर और अपनी कौम पे तर्स खाकर इसने हज़रत सलाम के ख़िलाफ़ दुआ की पहाड़ पे चढ़ गया और वहाँ जाकर इसने हज़रत मसा रही सलाम के ख़िलाफ़ दुआ की जब इसने दुआ की तो उसी वक्त इस पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ कि इसकी ज़बान मुँह से लटक कर सीने तक आ गई और ये अल्लाह की बारगाह में मरदूद हो गया इसमें आज़म भूल गया जो इसका मकाम व मरतबा था सारा इससे छिन गया और अल्लाह की बारगाह में ये मरदूद लोगों के अंदर शामिल हो गया

तो आयतों के सबब इसे बुलंद मर्तबा कर देते मगर वो तो दुनिया की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हो गया तो उसका हाल कुत्ते की तरह है तू उस पर सख्ती करे तो ज़बान निकाले, और तू उसे छोड़ दे तो भी ज़बान निकाले, ये उन लोगों का हाल है जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया तो तुम ये वाक़ बयान करो ताकि करें तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि हमने तो उसे एक इल्म दिया था मकाम व मरतबा दिया था और हम चाहते तो उसे मज़ीद बुलंदी दे देते लेकिन वो तो दुनिया की तरफ मायल हो गया इल्म के बावजूद इसमें आज़म के बावजूद और अपनी इज्जत नेकनामी और शोहरत के बावजूद वो दुनिया की तरफ़ मायल हुआ अपनी ख्वाहिश नफसानी की पैरवी की जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बंदा जो खुदा की बारगा में मकबूल भी था इसमें आजम सीखा हुआ भी था लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका हाल कुत्ते की तरह हो गया तो गोया दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के माल की रगबत और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना और अपनी ख्वाहिशात को ही अपना सब कुछ समझ लेना आदमी को बर्बाद कर देता है उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है जैसा कि बल बिन बा के साथ हुआ और अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों से ये वाक़ बयान करो ताकि वो गौर व फिक्र करें जो दुनिया की महब्बत में पड़े हुए दुनिया की लज्जात में मुनहमिक हैं अपने ख्वाहिशात के पैरोकार हैं उनके सामने बार बार ये वाकया बयान करो ताकि उन्हें पता चले कि दुनिया की महब्बत माल की महब्बत और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कितना ख़तरनाक साबित हो सकती है इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फ़रमाया सा जबूब आयातिया व अनफहम कानू यज़लिमून कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और वो अपनी जानों पर ही जुल्म किया करते थे मैं यह दिल्ला फमहतदी व ख़ासिरून जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत याफ़्त होता है और जिन्हें अल्लाह गुमराह कर दे तो वही नुकसान उठाने वाले हैं आयत का मतलब ये है कि हिदायत और गुमराही दोनों को अल्लाह ताला ने पैदा किया खाली कल्ला ये हर चीज़ का अब उसके बाद गुमराही या हिदायत को जो इख्तियार करना है ये बंदे की अपनी मर्ज़ी अगर वो हिदायत इख्तियार करता है तो अल्लाह ताली हिदायत पैदा कर देता है अगर बंदा गुमराही इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला गुमराही पैदा कर देता है। तो जैसा बंदा अमल करता है, अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ मुआमला फरमाता है। इसके बाद फरमाया, ولا قد ذر أنال جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل हमुल गाफिलून और बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जन्त और इंसान पैदा किए हैं उनके ऐसे दिल हैं जिनके ज़रिए वो समझते नहीं और उनकी ऐसी आँखें हैं जिनके साथ वो देखते नहीं और उनके ऐसे कान हैं जिनके ज़रिए वो सुनते नहीं ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा भटके हुए यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं कि जिनका अंजाम जहन्नम है पैदा जो किया गया वो तो अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बंदों को पैदा किया लेकिन नतीजा और माले कार ये होगा कि कुछ लोग जन्नत में जाएंगे कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे तो बहुत से जन्त और इंसान ऐसे हैं कि जो जहन्म के लिए हैं कि जिनको जहन्म में जाना है अब ये कौन लोग हैं जो जहन्नमी होंगे जिनको जहन्नम में जाना है वो कौन लोग होंगे फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास दिल तो हैं जिनके पास दिल तो हैं लेकिन उन दिलों के ज़रिए वो समझते नहीं जिनकी आँखें तो हैं लेकिन उन आँखों के जरिए वो देखते नहीं जिनके कान तो हैं लेकिन उन कानों के जरिए वो सुनते नहीं दिल है आँखें हैं कान हैं जो दुनिया का समझना और देखना है वो तो देखते हैं लेकिन उसी दिल के साथ अल्लाह के अहकाम को नहीं समझते उन आँखों के साथ खुदा की निशानियों को नहीं देखते और अपने कानों के साथ अल्लाह के अहकाम को सुनते नहीं तो फरमाया कि ये लोग कैसे हैं उला इका कल अनाम, ये लोग जानवरों की तरह हैं बल हम अवल बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा भटके हुए हैं उला इका हमल और यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं जानवरों की तरह क्यों हैं और उनसे बदतर क्यों है उसकी वजह यह है कि जानवर भी अपना नफा नुकसान पह पहचानता है जिस चीज़ के बारे में जानवर को पता है कि ये उसे नफ़ा देगा वो उसे हासिल करता है जिसके बारे में पता है ये चीज़ उसे नुकसान देगी वो उसे बचने की कोशिश करता है जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ईमान नफा देने वाला है और कुफ्र नुकसान देने वाला है आमाल साल नफा देने वाले हैं और गुनाह है। के काम नुकसान देने वाले हैं अब इसके बावजूद नफ़ा और नुकसान वाज हो चुका अब जो आदमी अपने नफ़े की तरफ नहीं जाता और नुकसान की तरफ जाता है तो ये जानवरों से भी बदतर हुआ क्योंकि नफ़ा नुकसान तो जानवर भी पहचानता है और ये इंसान होकर अपने नफ़े नुकसान को नहीं पहचान रहा तो ये जानवरों की तरह बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हालत में है उनसे भी ज़्यादा भटका हुआ है और वजह क्या है वजह है गफलत गफलत की वजह से आदमी अपनी दुनिया के अंदर ऐसा मशगूल हो जाता है कि खुदा को भुला देता है आख़िरत को भुला देता है इसके बाद अल्लाह ताला फ़रमाता है वलिला उल हसन फ़द्ह बिह ववीलफ़ी असमा सज़ोन मा कानू या मलूम और बहुत अच्छे नाम अल्ला ही के हैं तो उसे उन नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में हक से दूर होते हैं अन करीब उन्हें उनके आमाल का बदला दिया जाएगा इस आयत में दो चीज़ें फरमाईं पहली बात ये फरमाई कि अल्लाह के बहुत से अच्छे नाम हैं यानी सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह ही अल्लाह का नाम नहीं है बल्कि और भी बहुत से अच्छे नाम तो फरमाया कि उन नामों के साथ अल्लाह तला को पुकारो दूसरी बात इशात फरमाई के बेदीन लोग मुलहिद लोग अल्लाह के नामों के अंदर जो हक बात से दूर हटते हैं और बेदीनी की बेदीनी का तरीक़ा इख्तियार करते हैं फरमाया कि ऐसे लोगों को छोड़ दो जो सही नाम है उनके साथ खुदा दो खुदा को पुकारो और जो लोग अल्लाह के नामों में गलत तरीक़ा इख्तियार करते हैं उन लोगों को छोड़ दो अब अल्लाह ताला के जो अच्छे नाम हैं बहुत सारे हैं अदीसी मुबारक का कसीर बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक सरकार है सरकारी दुआम सल्ला वल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताली के नन्यावे नाम हैं एकम सौ जिसने इन नामों को याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया ये अल्लाह ताला के निन्वे नाम इनको याद कर लिया जो जन्नत की बशारत है लेकिन ये याद रहे कि नन्यावे नामों में हसर नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिर्फ़ निन्यावे नाम हैं उस हदीस के अंदर निन्यावे नाम है लिहाजा उस हदीस की बिना पर निन्वे मशहूर हैं वरना अल्लाह ताला के निन्वे नन्यावे नामों के अलावा भी हज़ारों की तादाद में नाम है लेकिन मशहूर नाम जो है वो निन्यानवे है अच्छा और अब ये जो नाम है इन नामों की जो है वो बड़ी फ़िलीलत है इन नामों को याद करने पर एक फ़ज़ीलत तो ये बयान की गई कि जो इन नामों को याद कर ले वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा अल्लाह तमाम नामों से पुकारा जाए यानी या अल्लाह या, या रहमान या रहीम जितने भी नाम हैं सारे नाम बेतरतीब जो है व्या के साथ जो है निदा की जाए मुखातब किया जाए और पुकारा जाए यह सारे नामों के साथ पुकारने के बाद अल्लाह ताली की बारगाह में जो दुआ की जाए अल्लाह ती उस दुआ को कबूल फ़रमा लेता है तो ये दुआ की कबूलियत का एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा है कि कुरान पाक के शुरू के अंदर अल्लाह ताला के नानवे नाम लिखे होते हैं उनके शुरू के अंदर या लगा दिया जाए या अल्ला या रहानूँ या रहीम अब जितने भी नाम है सब के साथ ये अल्लाह नामों के साथ अल्लाह ताला को पुकार कर आखिर में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक उस दुआ को कबूल फ़रमा लेता है दूसरी बात जो आयत के अंदर फरमाई गई थी कि वो लोग जो अल्लाह के नामों के अंदर ग़लत राह पे चलते हैं हक से हटते हैं ऐसे लोगों को छोड़ दो अल्लाह ताला के नामों के अंदर अहाद गलत रविश क्या है इसकी मुतद सूरतें हैं मुफसरीन किराम ने फरमाया कि इसका एक एक सूरत तो ये है कि अल्लाह के नाम को बिगाड़ कर कुछ और नाम बना दिया जाए और फिर किसी और को उस नाम से पुकारा जाए जैसे मश्रिकन मक्ा ने क्या किया कि लफज़ अला इला जिसका मना मबूद होता है इस लफ्ज इलाह से उन्होंने बना दिया लात और लात जो है अपने एक बुत का नाम रख दिया अल्लाह ताला का नाम था अज़ीज़ अज़ीज़ को उन्होंने उज्जा करके अपने एक बुत का नाम रख दिया अल्लाह ताला का नाम है मन्नान मन्नान से उन्होंने मनात नाम बनाकर वो अपने किसी बुत का नाम रख दिया तो ये जो अल्लाह के नामों को बदल कर अपने बुतों के नाम रख दिए ये है अल्लाह के नामों के अंदर हक बात से हट जाना दूसरा ये है अल्लाह का ऐसा नाम मुकरर किया जाए जो कुरान हदीस में नहीं आया जो कुरान हदीस में नहीं आया अल्लाह का वो नाम रख दिया जाए ये एक हुक्म शरी है कि अल्लाह के वही नाम रखे जा सकते हैं जो कुरान या हदीस के अंदर मौजूद है इसके अलावा अपनी तरफ़ से अल्लाह ताला का कोई नाम नहीं रखा जा सकता इसे फ़िकही असलाह के अंदर ये कहा जाता है कि अल्लाह ताली के आसमा तोफ़िया है असला शर्म में अल्लाह ताली के आसमा तो है तीसरा इसका मफहूम ये बयान किया कि अल्लाह के लिए ऐसा नाम मुकर किया जाए जिसके माना फासिद हों गलत हों अल्लाह का ऐसा नाम रखा जाए जिस लफ्ज़ का मतलब ही गलत हो जैसे अल्लाह ताला को राम कहना राम का मतलब होता है रचा बसा किसी शह के अंदर घुसा हुआ हलूल किया हुआ तो अल्लाह ताला को राम कहना जो है ये नाजायज़ो हराम है और ये इहद फी असम में दाखिल है बल्कि अल्लाह ताली को राम कहने को फ़ुकाह राम ने कुफ्र करार दिया है चौथा ये अल्लाह ताला का ऐसा नाम लिया जाए कि जिसका माना मालूम नहीं अल्लाह के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसका माना मालूम नहीं अब जब माना ही नहीं पता तो अब ये मालूम ही नहीं हो सकता कि अल्लाह की शान के लायक है या नहीं हो सकता उसका ऐसा माना जो अल्लाह की शान के लायक ही नहीं है हो सकता उसका ऐसा माना जो अल्लाह की शान के लायक है तो जब किसी लफ्ज़ का माना नहीं मालूम तो वो नाम भी अल्लाह ताला का नहीं रखा जा सकता इसी तरह फिल इलाहादिल्समा यानी अल्लाह के नामों में गलत रविश जो है वो ये भी है कि जो नाम ख़ास है अल्लाह ताला के साथ वो मखलूक के ऊपर बोला जाए जैसे हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी ग़लती की जाती है रहमान जो है ये सिर्फ़ अल्लाह का नाम है अल्लाह के अलावा कोई रहमान नहीं हो सकता अब लोगों का नाम होता है अब्दुलरहमान लेकिन उसे बोला जाता है रहमान ये नाजायज़ो गुना और हराम है इसी तरह किसी का नाम होता है अब्दुल कुद्दूस कुद्दूस का बंदा कुद्दूस ऐसा नाम है जो अल्लाह के साथ ख़ास है ये बंदे पर नहीं बोला जा सकता अब अब्दुल कुद्दूस को बोलते हैं कदूस ये नाजायज़ो हराम इसी तरह खालिक खालिक अल्लाह के साथ ख़ास अब नाम होता है अब्दुल खालिक लेकिन उसे बोलते हैं खालिक खालिक भाई बात सुनना ये नाम खालिक कहकर किसी को पुकारना अल्लाह के अलावा यह नाजायज व हराम इसी तरह नाम होता है अब्दुल कदीर कदीर जो है ये भी अल्लाह के साथ ख़ास है लेकिन अब्दुल कदर को कदीर कहकर बोला जाता है ये बोलना भी नाजायज़ है तो जो आसमा जो नाम अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं उसे किसी और के लिए इस्तेमाल करना ये नाजायज़ो हराम है अल्लाह तबारक वाला हमें इन अहकाम पर अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाए आमीन बिजाह नबी अमीन सल्ल वसम